शांति। आज बाबा की अवैध मुरली है। मुरली की रिवाइज डेट है 27 मार्च 86। मुरली का हेडिंग है सदा के स्नेही बनो। आज स्नेह का सागर बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह रूहानी स्नेह हर बच्चे को सहजयोगी बना देता है। यह स्नेह सारे पुराने संसार को सहज भुलाने का साधन है। यह स्नेह हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का पालना का आधार है। सभी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बाप के पास सम्मुख पहुंची हैं, उन सभी के पहुंचने का आधार भी स्नेह है। स्नेह के पंखों से उड़ते हुए आकर मधुबन निवासी बनते हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे थे कि स्नेही तो सब बच्चे हैं, लेकिन अंतर क्या है? नंबरवार क्यों बनते हैं? कारण स्नेही सभी हैं, लेकिन कोई है सदा के स्नेही और कोई है स्नेही और तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। तो बाबा ने स्नेही बच्चों में भी देखा कि तीन प्रकार के स्नेही, एक सदा के स्नेही, एक सिर्फ स्नेही और तीसरे प्रकार के वो बच्चे जो समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। तो बाप दादा ने तीन प्रकार के स्नेही देखे। जो सदा स्नेही हैं, वह लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से ऊंचे रहते हैं। न मेहनत करनी पड़ती, न मुश्किल का अनुभव होता, क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण उन्होंने आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती, अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती तो प्रकृति माया स्वतः ही दासी रूप में हो जाती। प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय या संकल्प अपनी तरफ लगाए। सदा स्नेही आत्माओं का हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। इसीलिए प्रकृति और माया भी जानती है कि ये सदा स्नेही बच्चे संकल्प से भी कभी हमारे अधीन नहीं हो सकते। सर्व शक्तियों के अधिकारी आत्माएं हैं। सदा स्नेही आत्मा की स्थिति का ही गायन है, एक बाप दूसरा न कोई, बाप ही संसार है। तो ये सारी निशानियां सदा स्नेही बच्चों की। दूसरा नंबर स्नेही आत्माएं स्नेह में रहती जरूर है, लेकिन सदा न होने के कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा भी कहां और तरफ स्नेह जाता। बहुत थोड़ा बीच बीच में स्वयं को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत का कभी मुश्किल का अनुभव करते, लेकिन बहुत थोड़ा। जब भी कोई प्रकृति या माया का सूक्ष्म वार हो जाता है तो उसी समय स्नेह के कारण याद जल्दी आ जाती है और याद की शक्ति से अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन भी कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा समय और फिर भी संकल्प मुश्किल या मेहनत में लग जाता है। कभी कभी स्नेह साधारण हो जाता, कभी कभी स्नेह में लवलीन रहते, स्टेज में फर्क पड़ता रहता, लेकिन फिर भी ज्यादा समय संकल्प व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए स्नेही हैं, लेकिन सदा स्नेही न होने के कारण सेकंड नंबर हो जाते हैं। तीसरे हैं समय प्रमाण
स्नेह निभाने वाली ऐसी आत्माएं समझती हैं कि सच्चा स्नेह सिवाय बाप के और कोई से मिल नहीं सकता, और यही रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला है। ज्ञान अर्थात समझ पूरी है और यही स्नेही जीवन प्रिय भी लगती है, लेकिन कोई अपनी देह के लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराना संस्कार या किसी व्यक्ति या वस्तु के संस्कार या व्यर्थ संकल्पों के संस्कार वश कंट्रोलिंग पावर न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ है, या संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते, संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपनी तरफ खींच लेती है, और कोई सदा ही दिल शिकस्त जल्दी होते हैं। अभी अभी बहुत अच्छे उड़ते रहेंगे और अभी अभी देखो तो अपने आप से ही दिल शिकस्त, ये स्वयं से दिल शिकस्त होने का संस्कार भी सदा स्नेही बनने नहीं देता। किसी न किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ, प्रकृति की तरफ आकर्षित कर देता है, और जब हलचल में आ जाते हैं तो स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाप की याद आती है। ये प्रयत्न करते हैं कि अभी फिर से बाप के स्नेह में समा जाएं, तो समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हलचल में आने के कारण तब याद करते हैं। कभी युद्ध करते हैं, युद्ध की जीवन ज्यादा होती और स्नेह में समाने की जीवन उसके अंतर में कम होती है, इसीलिए तीसरा नंबर बन जाते हैं। फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से तीसरा नंबर भी अति श्रेष्ठ ही कहेंगे, क्योंकि बाप को पहचाना, बाप के बने, ब्राह्मण परिवार के बने, ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाते, इसीलिए दुनिया के अंतर में वह भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, लेकिन संपूर्णता के अंतर में तीसरा नंबर है, तो स्नेही सभी हैं, लेकिन नंबर वार है। नंबर वन सदा स्नेही आत्माएं सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाप की अति प्यारी हैं। स्नेही आत्माएं न्यारी हैं, प्यारी भी हैं, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं हैं, लवली नहीं हैं, लेकिन स्नेही हैं। उन्हों का विशेष यही स्लोगन है, तुम्हारे हैं तुम्हारे रहेंगे, सदा ये गीत गाते रहते, फिर भी स्नेह है इसीलिए 80% सेफ रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी शब्द आ जाता, सदा शब्द नहीं आता, और तीसरे नंबर आत्माएं बार बार स्नेह के कारण प्रतिज्ञाएं भी स्नेह से करते रहते, बस अभी से ऐसे बनना है, अभी से यह करेंगे, क्योंकि अंतर तो जानते हैं ना, प्रतिज्ञा भी करते, पुरुषार्थ भी करते, लेकिन कोई न कोई विशेष पुराना संस्कार लगन में मगन होने नहीं देता, विघन मगन अवस्था से नीचे ले आते, इसीलिए सदा शब्द नहीं आ सकता, लेकिन कभी कैसे होने के कारण कोई न कोई विशेष कमजोरी रह जाती है। ऐसी आत्माएं बाप दादा के आगे रूह रिहान भी बहुत मीठी करते हैं, हुज्जत बहुत दिखाते, कहते हैं डायरेक्शन तो आपके हैं, लेकिन हमारी तरफ से करो भी आप, और पाए हम हुज्जत से स्नेह से कहते, जब आपने अपना बनाया है तो अब आप ही जानो। बाप कहते बाप तो जाने, लेकिन बच्चे माने तो सही, लेकिन बच्चे हुज्जत से यही कहते
कि हम माने न माने आपको तो मानना ही पड़ेगा, तो बाप को फिर भी बच्चों पर रहम आता है कि हैं तो ब्राह्मण बच्चे, इसीलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा विशेष शक्ति देते हैं, लेकिन कोई भी शक्ति लेकर बदल भी जाते हैं, कोई शक्ति लेकर बदल भी जाते और कोई शक्ति मिलते भी अपने संस्कारों में मस्त होने के कारण शक्ति को धारण नहीं करते। जैसे कोई ताकत की चीज खिलाओ और वह खाए नहीं तो क्या करेंगे। बाप विशेष शक्ति देते भी हैं और कोई कोई धीरे धीरे शक्तिशाली बनते बनते तीसरे नंबर से दूसरे नंबर में आ भी जाते हैं, लेकिन कोई कोई का बहुत अलबेले होने के कारण जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले सकते। तीनों प्रकार के स्नेही बच्चे हैं, टाइटल सभी का स्नेही बच्चे हैं लेकिन नंबर वार है। आज जर्मनी वालों का टर्न है, सारा ही ग्रुप नंबर वन है। नंबर वन समीप रतन है, क्योंकि जो समान होते हैं वही समीप रहते हैं। शरीर से भले कितना भी दूर हो लेकिन दिल से इतने नजदीक है जो रहते ही दिल में है, स्वयं बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। उन्होंने दिल में स्वतः ही बाप के सिवाय और कोई नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में बाप ने दिल का ही सौदा किया है, दिल ली और दिल दी, दिल का सौदा किया है ना। दिल से बाप के साथ रहते हो, शरीर से तो कोई कहां रहते। सभी को यहां रखें तो क्या बैठ करेंगे। सेवा के लिए तो मधुबन में साथ रहने वालों को भी बाहर भेजना पड़ा, नहीं तो विश्व की सेवा कैसे होती। बाप से भी प्यार है तो सेवा से भी प्यार है, इसीलिए ड्रामा अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंच गए हो और वहां की सेवा के निमित्त बन गए हो, तो ये भी ड्रामा में पार्ट नूदा हुआ है। अपने हम जिन्स की सेवा के निमित्त बन गए। जर्मनी वाले सदा खुश रहने वाले हैं ना, जब बाप से सदा का वर्षा इतना सहज मिल रहा है तो सदा को छोड़ थोड़ा सा या कभी कभी का क्यों लेवे। दाता दे रहा है तो लेने वाले कम क्यों लेवे, इसीलिए सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। सदा माया जीत प्रकृति जीत विजयी बन, विजय का नगाड़ा विश्व के आगे जोर शोर से बजाओ। आजकल की आत्माएं विनाशी साधनों में या तो बहुत मस्त नशे में चूर हैं, या तो दुख अशांति से थके हुए ऐसी गहरी नींद में सोए हुए हैं जो छोटा आवाज सुनने वाले नहीं है। नशे में जो चूर होता है तो उनको हिलाना पड़ता है, गहरी नींद वाले को भी हिलाकर उठाना पड़ता है। तो हैमबर्ग वाले क्या कर रहे हैं, अच्छा ही शक्तिशाली ग्रुप है, सभी की बाप और पढ़ाई से प्रीत अच्छी है। जिन्हों की पढ़ाई से प्रीत है वह सदा शक्तिशाली रहते। बाप अर्थात मुरलीधर से प्रीत माना मुरली से प्रीत, मुरली से प्रीत नहीं तो मुरलीधर से भी प्रीत नहीं। कितना भी कोई कहे कि मुझे बाप से प्यार है लेकिन पढ़ाई के लिए मुझे टाइम नहीं, बाप ये बात नहीं मानते। जहां लगन होती है वहां कोई विघ्न ठहर नहीं सकते, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। पढ़ाई की प्रीत मुरली से प्रीत वाले विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं, उड़ती कला द्वारा स्वयं ऊंचे हो जाते, विघ्न नीचे रह जाते। उड़ती कला वाले के लिए
पहाड़ भी एक पत्थर समान है। पढ़ाई से प्रीत रखने वालों के लिए बहाना कोई नहीं होता। प्रीत मुश्किल को सहज कर देती है। एक मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार और परिवार का प्यार किला बन जाता है। किले में रहने वाले सेफ हो जाते हैं। इस ग्रुप को ये दोनों विशेषताएं आगे बढ़ा रही हैं। पढ़ाई और परिवार के प्यार के कारण एक दो को प्यार के प्रभाव से समीप बना देते हैं और फिर निमित आत्मा यानी पुष्पाल दीदी भी प्यार वाली मिली है। स्नेह भाषा को भी नहीं देखता। स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। सभी उनको याद कर रहे हैं। बाप दादा को भी याद है। अच्छा ही प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं। सेवा की वृद्धि हो रही है। जितना वृद्धि करते रहेंगे उतना महान पुण्य आत्मा बनने का फल सर्व की आशीर्वादें प्राप्त होती रहेंगी। पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है। अभी पुण्य आत्मा नहीं तो भविष्य में पूज्य आत्मा नहीं बन सकती। पुण्य आत्मा बनना भी जरूरी है। अच्छा, फिर आज बाबा के अव्यक्त मुरलियों से कुछ चुने हुए प्रश्न उत्तर हैं। तो पहला प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण श्रृंगार व खजाना कौन सा है? ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण श्रृंगार व खजाना कौन सा है? वो है संतुष्टता। जैसे कोई प्रिय वस्तु होती है तो प्रिय वस्तु को कभी छोड़ते नहीं है। संतुष्टता विशेषता है। ब्राह्मण जीवन के परिवर्तन का विशेष दर्पण है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ खुशी जरूर है। यदि ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता नहीं तो वह साधारण जीवन है। दूसरा प्रश्न है, संतुष्ट मणियों की विशेषताएं क्या होंगी? तो संतुष्ट मणियां कभी किसी भी कारण से स्वयं से अन्य आत्माओं से अपने संस्कारों से वायुमंडल के प्रभाव से असंतुष्ट नहीं हो सकती। वे ऐसे कभी नहीं कहेंगी, हम तो संतुष्ट हैं लेकिन दूसरे असंतुष्ट हो करते हैं। कुछ भी हो जाए, संतुष्ट मणियां अपने संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकती। तीसरा प्रश्न है, जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? तो संतुष्ट रहने वालों की बाबा ने 6 निशानियां बताई। जो सदा संतुष्ट रहता है उसके प्रति स्वतः ही सभी का स्नेह होता है, क्योंकि संतुष्टता ब्राह्मण परिवार का स्नेही बना देती है। दूसरा है, संतुष्ट आत्मा को सभी स्वयं ही समीप लाने व हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे। संतुष्टता की विशेषता, स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देती है। उन्हें कहना या सोचना भी नहीं पड़ता है। संतुष्टता सदा सर्व के स्वभाव संस्कार को मिलाने वाली होती है। वह कभी किसी के स्वभाव संस्कार से घबराने वाले नहीं होते। उनसे सभी का स्वतः दिल का प्यार होता है। वे प्यार लेने के पात्र होते हैं। संतुष्टता ही उस आत्मा की पहचान दिलाती है। हर एक की दिल होगी, उनसे बात करें, इनसे बैठें। संतुष्ट आत्माएं सदा मायाजीत हैं ही, क्योंकि आज्ञाकारी हैं, सदा मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं, माया को दूर से ही पहचान लेते हैं। तो ये संतुष्ट मणियों की निशानियां। फिर बाबा ने नेक्स्ट प्रश्न पूछा, यदि समय पर माया को पहचान नहीं पाते, बार बार धोखा खा लेते तो उसका कारण क्या? तो बाबा ने बताया, पहचान कम होने का कारण है कि सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर
नहीं चलते हैं, कोई समय चलते कोई समय नहीं, कोई समय याद करते कोई समय नहीं, कोई समय उमंग उत्साह में रहेंगे कोई समय नहीं, सदा आज्ञा की लकीर के अंदर नहीं रहते, इसीलिए माया समय पर धोखा दे देती है। माया में परखने की शक्ति बहुत है, माया देखती है कि इस समय ये कमजोर है तो उस कमजोरी द्वारा अपना बना लेती है। माया के आने का रास्ता ही है कमजोरी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, माया जीत बनने का सहज साधन कौन सा है? तो बाबा ने कहा, सदा बाप के साथ रहो, साथ रहना यानी सर्व मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना, फिर एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत से छूट जाएंगे। साथ रहो तो जैसे बाप वैसे आप, संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा, इसलिए बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। आज काम जीत बन गए, कल क्रोध जीत बन गए, नहीं, सदा विजयी। सिर्फ बीज रूप को साथ रखो तो माया का बीज ऐसे भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकता। तो ये बाबा ने प्रश्न पूछे, संतुष्टता के बारे में बताया और माया जीत कैसे बनी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज बाबा ने विशेष स्नेह के ऊपर भी बताया कि स्नेही बच्चे कौन से हैं, सदा स्नेही, सिर्फ स्नेही या समय प्रमाण स्नेही। तो हम अपने ऊपर देखेंगे कि हम कौन से स्नेही हैं। अब सुनते हैं आज का वरदान। हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले, रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए, दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा, इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। स्लोगन है, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करें। अच्छा, ओम शांति।